चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर ये रहा फोर, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें ऑथराइज कैपिटल में दे रखा है, ऑथराइज कैपिटल में कितना, तो 15,000 12% प्रेफरेंस ऑफ रुपीज 10 ईच, और यहाँ पे 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इस तरह से हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर प्लस में इक्विटी शेयर का ऑथराइज कैपिटल दे रखा हुआ है। इसके बाद क्या बोला, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये 1,20,000 का जो लिमिट के अंदर ही है। इसके बाद यहाँ पे 1,35,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रुपीज 8 पेड अप था। तो इस तरह से यहाँ पे 2 का क्या करना है, तो 2 यहाँ पे कॉल करना है। तो ये हो गया जिसका अमाउंट दे रखा हम लोग के पास 10,80,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास क्या गिवेन है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हम लोग के पास जनरल रिजर्व है। फिर यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसे बोनस शेयर के लिए ही सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो दे रखा है, जो हम लोग के पास कलेक्टेड इन कैश दे रखा हुआ है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारे को हम लोग यूज कर सकते हैं। किसमें, तो हम लोग बोनस इशू के टाइम में इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 ईच, तो यहाँ पे 2 ईच करके ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर पे कॉल किया गया। कब, 1 अप्रैल को, और द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे कॉल मनी कब रिसीव हुआ है, तो 20 अप्रैल को। फिर यहाँ पे देर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर होल्ड। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो रेशियो दे रखा है बोनस का, वो दे रखा है 1:4 का। फिर यहाँ पे बोला सो नेसेसिटी जनरेटी, तो हम लोग को जनरेटी बनाना इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30 अप्रैल 2021। तो हम लोग को आफ्टर बोनस इशू, तो हम लोग को बोनस इशू के बाद यहाँ पे हम लोग को बनाना है क्या, तो हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाना है, जो सम्स बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे कॉल का, दूसरा करेंगे हम लोग, इससे पहले हम लोग सेम ही सम्स तो किए थे, इसमें क्या बताना आप लोग, ये आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। सबसे पहला हम लोग एंट्री करने वाले हैं किस चीज का, तो शेयर कॉल का। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने का दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2 रुपीज करके कॉल करना है 1,35,000 पे। तो यहाँ पे 1,35,000 इंटू 2, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1,35,000 इंटू 2, तो ये आ गया 2,70,000 का। 2,70,000 का हम लोग के पास आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम लोग कॉल का एंट्री बना चुके हैं। अब सेकेंड में रिसीव करने का एंट्री बनाएंगे, कॉल का एंट्री कब का बनाएंगे, तो 1 अप्रैल का, और रिसीव का हम लोग बनाए थे 20 अप्रैल का, क्योंकि दे रखा हुआ था। तो यहाँ पे पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। टू क्या करने वाले हैं, तो टू हम लोग करने वाले हैं शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि हम लोग को इसे तो कैंसिल करना होगा, जो नेट में एंट्री बनेगा वो कैसे होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसलिए हम लोग इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। और ये वाली एंट्री तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, 12 में सीखे थे, फाउंडेशन में सीखे होंगे, तो ये सारे जगह आप लोग सीख के आए होंगे। फिर थर्ड वाले एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो बोनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना बोनस सर होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोनस का एंट्री बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो जो सबसे पहले लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए हम लोग के पास कितना शेयर दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 1,35,000 इक्विटी शेयर, जिसमें 8 पेड अप था, और यहाँ पे 2 कॉल कर दिए, तो इस तरह से हम लोग के पास ये 1,35,000 फुल्ली पेड अप शेयर हो चुका। यहाँ पे लिखेंगे 1,35,000, इसमें रेशियो क्या दे रखा हुआ, तो 1:4 के रेशियो में यहाँ पे बोनस इशू किया जा रहा था, जहाँ पे दे रखा हुआ ना ये 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, तो ये हम लोग के पास 1:4 का रेशियो हो गया। और 1 शेयर का जो प्राइस दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ, तो यहाँ पे दे रखा हुआ फेस वैल्यू ₹10, और फुल्ली पेड अप भी है ₹10 करके। तो यहाँ पे 1,35,000 डिवाइड बाई 4 × 10, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,37,500 का। यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 3,37,500 का बोनस के लिए जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं CRR को, जो 60,000 दे रखा हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CRR अकाउंट डेबिट, जो कितना से हो जाएगा 60,000 से। फिर CRR के बाद हम लोग सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दे रखा है 37,500, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 35,500 का। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर दें 3,37,500 में से 60,000 और माइनस करेंगे 35,500, तो और भी हम लोग को चाहिए 2,42,000। अब हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे, तो जनरल रिजर्व में से कितना ले सकते हैं 1,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें कितना आ जाएगा 2,42,000, तो इसमें से सॉरी 2,42,000 नहीं था, इसका बैलेंस ही था 1,80,000,
180,000 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर दीजिए 180,000, तो और भी चाहिए यहाँ पे 62,000 का, वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से ले सकते हैं। तो 3 लाख में से हम लोग कितना ले लेंगे 62,000, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जिसमें से हम लोग ले सकते हैं 62,000 का। तो इस तरह से हम लोग के पास बोनस का एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो चुका। अब हम लोग सेकेंड एंट्री में यहाँ पे बोनस इशू कर देंगे, तो ये फोर्थ नंबर एंट्री में आ जाए, जहाँ पे हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर को कैंसिल करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और ये हम लोग का एंट्री हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो 3,37,500 से हम लोग के पास हो जाएगा। टू में क्या हो जाएगा, तो बोनस टू शेयर होल्डर हम लोग के पास हो चुका, तो अब हम लोग टू में लिखने वाले हैं बोनस टू शेयर होल्डर हो गया, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितना से हो जाएगा, तो 3,37,500 से। तो इसी के साथ हम लोग का जो एंट्री वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वो बैलेंस शीट बनाना है, तो चलिए आ जाइए बैलेंस शीट में बनाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बोला था, तो पहला जो हम लोग के पास होता है सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट नंबर पे शेयर होल्डर फंड हम लोग लिखते थे, इसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग के पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का 1,20,000, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का आ गया 1,20,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो 1,35,000 टेन ईच करके हो गया था, क्योंकि यहाँ पहले यहीं से लिखते था 10,80,000, तो यहाँ पे 10,80,000, और यहाँ पे इसमें से हम लोग कॉल किए थे, जो कॉल किए थे कितने अमाउंट का, तो कॉल हम लोग किए थे 2,70,000 का, तो 2,70,000 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये तो हम लोग के पास हो गया एग्जिस्टिंग जो पहले से कंपनी के पास था प्रेफरेंस शेयर प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोनस का भी हम लोग को इसमें ऐड करना है, तो बोनस का हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो बोनस का हम लोग के पास 3,37,500 दे रखा है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 3,37,500। तो इस तरह से हम लोग के पास शेयर कैपिटल कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस में 10,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस में ये आ जाएगा 3,37,500, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 18,07,500 का। चलिए लिख देते हैं इसे, ये हम लोग के पास आ गया 18,07,500। अब इसके बाद देख लीजिए शेयर कैपिटल का हम लोग के पास हो चुका है, सेकंड नंबर पे हम लोग पॉइंट पे आ जाएगा, तो शेयर कैपिटल के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग सबसे पहले इसका तो यूज कर चुके हैं, जनरल रिजर्व का फुली यूज कर चुके हैं, फिर कैपिटल डेब्टर रिजर्व का भी फुली यूज कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हम लोग यूज कर चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का 3 लाख का बैलेंस बचा था, तो यहाँ पे इस 3 लाख में से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज कितना किए, तो यहाँ पे हम लोग किए थे 62,000 का, तो चलिए माइनस करेंगे 3 लाख में से 62,000 को, तो ये हम लोग के पास आ गया 2,38,000। एक सेकेंड, 3 लाख दे रखा हुआ था जिसमें से हम लोग कितना यूज किए थे 62,000 ही यूज किए थे ना, ये अमाउंट रॉन्ग है, एक सेकेंड, लोगों के पास था 35, यहाँ देख लीजिए ये 37,500 था, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया 35,500, ये 37,500 कर दीजिए, तो ये हम लोग के पास जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 का हो जाएगा। तो इसे ठीक कर लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम था 37,500, मैंने गलती से लिख दिया था 35,500, इस केस में हम लोग के पास जो हो जाएगा 60,000 माइनस करने के बाद 2,40,000 का, ये हम लोग के पास हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1,18,07,500 हम लोग के पास क्या था टोटल शेयर कैपिटल हो गया। अब इस टोटल शेयर कैपिटल में से प्रेफरेंस शेयर कितने का है, तो 1,20,000 का हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर है, तो जो 16,87,500 हम लोग के पास इक्विटी शेयर का बचा, और इस इक्विटी शेयर में यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 16 लाख का हम लोग के पास इक्विटी शेयर हुआ, और पहले से जो हम लोग के पास इक्विटी शेयर का ऑथराइज कैपिटल का लिमिट दे रखा वो कितने का दे रखा 15 लाख का, तो हम लोग को कितना इंक्रीज करना होगा, तो हम लोग को 1,87,500 का इंक्रीज करना होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल में। ये चीज आप लोग नीचे लिख दीजिएगा नोट करके, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल में 168,500 का हम लोग के पास हो जाएगा। देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल जो भी हम लोग के पास था 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर का, जो हम लोग के पास 1,20,000 यहाँ पे हुआ, तो ये तो लिमिट के अंदर है, बट 16,87,500 जो हम लोग के पास हुआ वो तो लिमिट के अंदर नहीं है ना, वो तो 15,000 ही था, तो इसलिए यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, जो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे जब इक्विटी शेयर के बारे में लिखेंगे तो उस टाइम में आउट ऑफ
37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड बाय वे ऑफ बोनस। ये चीज भी आप लोगों को लिख करके आना है जब आप लोग नोट्स बनाओगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का तो देख ही चुके हैं और यहाँ वर्किंग नोट में किस तरह से दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 37,500 का हम लोग का बोनस इशू हुआ था जो मैंने आप लोग को पहले बताया था 1:4 के रेशियो में दे रखा हुआ था। फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहाँ दे रखा हुआ है वो कितना था 13,50,000। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल जो इशू किया गया वो कितने का हो गया 3,37,500। तो इस तरह से टोटल से जो शेयर कैपिटल हो गया वो कितना हो जाएगा इक्विटी में 16,87,500। बट जो इसका लिमिट दे रखा हुआ था वो कितना था 15 लाख। तो इस तरह से 15 लाख जब माइनस करेंगे हम लोग 16,87,500 में से, तो 187,500 का हम लोग को इंक्रीज करना होगा। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा 4 कंप्लीट हो गया।